मध्य प्रदेश में दबंगई दिखाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने जैसी बुलडोजर चलाने जैसी कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह की एक कार्यवाही आज दमोह जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हटा नगर पालिका क्षेत्र में भी देखने को मिली। बस स्टैंड पर की जा रही है कार्यवाही। दरअसल भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष अनुराग वर्धन हजारी के ड्राइवर पर गोलियां चलाने वाले उनके ही परिवार के सदस्यों के अवैध कब्जे के खिलाफ की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुलडोजर के बीच उत्साह का माहौल है। लेकिन इस कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन की दबंगई की भी एक बदसूरत तस्वीर सामने आई है। दरअसल इस कार्रवाई के दौरान एक गरीब होटल वाले बुजुर्ग के साथ में मैच इस वजह से मारपीट करते हुए विरोध किया गया क्योंकि उसके द्वारा कार्रवाई के दौरान सामान निकालने के लिए समय मांगा गया था। उसने बुलडोजर के सामने खड़े होकर इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उसे समय नहीं दिया गया, अब वह क्या करे। लेकिन दरअसल बुलडोजर के सामने खड़े होकर अपने सामान की सुरक्षा और समय देने की मांग कर रहा है बुजुर्ग उन दबंगों का किराएदार था जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ की पुलिस और फटाके टीआई को बुजुर्ग का इस तरह का विरोध करना बिल्कुल भी नागवार गुजरा और उन्होंने जिस तरह से गालियों की बौछार करते हुए बुजुर्ग के गाल पर चाटे जमाए उसको देखकर कहा जा सकता है कि शिवराज की राज में पुलिस बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करती है इस तस्वीर में देखा जा सकता है।